नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आर्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। रतलाम का मेडिकल कॉलेज एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, जहां कॉलेज में ICMR के प्रोजेक्ट में फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति में रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज का एक लिपिक आवेदक से नियुक्ति देने के बदले एक सैलरी की रिश्वत मांगता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट को टीवी पर रिसर्च करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट मिले हैं। इसमें फील्ड में काम करने वाले डॉक्टर, टेक्नीशियन और अन्य की ज़रूरत होती है। इन्हीं में नियुक्ति के लिए वीडियो में चर्चा हो रही है। सैलरी 31,000 मासिक और नियुक्ति के लिए एक माह की सैलरी देने पर ही नियुक्ति देने की बात करते हुए अक्षत नाम का युवक दिखाई दे रहा है। अक्षत नाम का व्यक्ति खुद को GMC का लिपिक होना बता रहा है और वह हाइट्स के माध्यम से यह नौकरी करने की बात कर रहा है। साथ ही वह कहता है कि ध्रुवेंद्र सर कम्युनिटी मेडिसिन के से प्राध्यापक कि ध्रुवेंद्र सर कम्युनिटी मेडिसिन के सह प्राध्यापक डॉक्टर ध्रुवेंद्र पांडे से जो बात हुई है उसके अनुसार जो भी यह देगा उसे नियुक्ति में प्राथमिकता देंगे। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का साथ ही ध्रुवेंद्र सर से चर्चा और बैठक कराने की बात कहता है तो बार्गेनिंग करने वाला व्यक्ति मना कर देता है कि वे किसी से नहीं मिलेंगे। ICMR के प्रोजेक्ट में अधिकतम 6 माह के लिए नियुक्ति मिलती है। इससे कम समय के लिए भी होती है, इससे ज़्यादा समय के लिए कोई नियुक्ति नहीं होती। वीडियो में बार्गेनिंग करने वाला अक्षत नामक युवक 6 माह की नियुक्ति और फिर 6 माह के लिए नियुक्ति आगे बढ़ाने की बात भी करता दिख रहा है। इस संदर्भ में डॉक्टर ध्रुवेंद्र पांडे ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिली है, मैं स्तब्ध हूँ कि यह कौन कर रहा है। हम तो काम करने में रुचि रखते हैं, सारी नियुक्तियाँ डीन के माध्यम से होती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जिसने भी किया है गलत किया है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। दोनों वीडियो मेरे पास भी आए हैं, इनकी जांच की जा रही है और जो व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के नाम पर यह बात कर रहा है उसकी भी जांच की जाएगी। 1-2 दिन में पूरी जांच कर ली जाएगी। अब तो मेरा लिंकअप बहुत हो गया है, उनका हाई पुराने स्किल सब थे तो होते हैं, मतलब वो जब से अपना कोविड चलो ना तब से ही थे, अब उनका हाई स्किल का हो गया। UDF हम सब हाई स्किल अभी इनका रास्ता निकालो यार, अभी तो आप इसका निकालो अपन करते हैं। वो यार के सामने वाला भी इतने दे रहा है तो सर ने ये बोला कि यार अपन बंदा उसके लिए जो अपने काम का जो काम आए और अपने हाथ में कुछ नहीं ना, देखो अपने को कोई मिलना है क्या। वो तो सर ने बोला कि यार एक अच्छा बंदा है, अपने काम की जरूरत है और सामने वाला भी अपने को अच्छा लगेगा काम करने में, काम करे। अब जिसके साथ काम करे उसके अपन काम कराओ तो काम करने में मजा आता कि यार उसको पता है अपना नेचर कैसा है, कैसे काम करना है, तो अच्छा रहेगा। और बढ़िया आप किस पोस्ट पे? मैं UDC पे हूँ। UDC के अपर डिवीजन क्लर्क। तो ये UDS के अंडर में आप? हाइट्स के अंडर। हम हाई स्किल पे, हमको भी 3 साल हो गए। अच्छा, हाँ मैंने तो पहले छोड़ दिया था, 3 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा, आपने पहले छोड़ दिया, कोविड में नहीं ऐसे होंगे आप? नहीं, कोविड के पहले ही छोड़ गया था, मेरा हो गया था, हम कोविड के टाइम ही आ गए, तब से जुड़े हुए हैं। बोलते अब मैं खुद 10 पे आया था, 10 से बड़ी बढ़ती गई सैलरी, तो ऐसा नहीं है, रहो अपन तो बढ़ जाती है। अगर अपन सोचे कि यार क्या करें, फिर रतलाम में देखो सबसे अच्छी जॉब तो GMC में ही, और कहीं भी आप चल जाओ रतलाम में सही है। अगर रतलाम में आप जॉब देखना है तो फिर यही है GMC। देखो आप भले गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रख लेकिन काम गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे ही है। नौकरी के टाइम पर आप घर चले जाओ, ऐसा नहीं कि रात में रोक रहे हो और आप जा नहीं सकते। और सबसे अच्छा क्या है कि छुट्टी लेनी हो तो छुट्टी भी मिल जाती है, पैसा भी नहीं कटता है यहाँ पर, ये सबसे अच्छा है। तो यहाँ काम करना क्या बढ़िया है। आप बताओ यार भैया लास्ट, और एक और बात, मैं ये कैसे मान लो कि आप सर के थ्रू ही बोल रहे हो, सर के सामने मेरी बात करा दो। देखो ऐसे फोन बात करना तो अच्छा नहीं रहेगा, मिल के बात कर लेते सर, सर मिलेंगे नहीं, आप जब जाओ तो मिल लेना सर से, जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आप बता देंगे सर आप। ठीक सर, सर इंटरव्यू करने के लिए इंटरव्यू तो आपका हो गया ना, तो रिजल्ट निकालना है। मेरे को तो क्या संदीप ने बताया, संदीप को तो मैंने क्लियर मना बोल दिया था कि भाई मत करना बात, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं बात कर ली, बात संदीप की बात हुई होगी सर से, तो फिर संदीप की आपसे बात हुई होगी, तो कन्फ्यूजन होगा 6 महीने का, तो फिर उसने मुझे बोला कि यार क्योंकि संदीप को तो मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने संदीप मत करना मेरे लिए बात रही, मेरे को कुछ नहीं करना, अगर ऐसा लग रहा है तो फिर नहीं करना ये वाली बात। पर वो बोल रहा है कि यार बढ़ रहा है बात कर ले, नहीं बढ़ेगा देखो मेरी पहचान है, तो फिर मैंने सर से मैंने आप सामने क्लियर करा। देखो अपन किसी को धोखे में नहीं रखना, जो है क्लियर है
आगे बढ़ेगा जो प्रोसेस है वो बता दिया अपन ने आपके सामने। वो संदीप के भी दो चार बार फोन आ गए, फिर आपके आ गए, अब कल में क्या कैंप था तो बिजी था तो फिर बात नहीं भाई, मैंने चलो आज नहीं लेता, अभी ड्यूटी से सीधे इधर ही आ गया इसलिए। तो आप एक बार बोली सर से बात करवा दो, मेरी सर से मिलवा दो, अपन बात कर लेते। मिलवा नहीं सकता रे, थोड़ी ना अपन बोल सकते सर को, वो तो जो है वो है। अभी अभी मेरे संज्ञान में आया है, हालांकि वीडियो कब का है मुझे जानकारी नहीं है पूरी, वो वीडियो में अभी देख ही रहा हूँ, पूरी तरह देखा नहीं है, मगर ये कोई प्रोजेक्ट के बारे में है जो कि 3 से 4 महीने के लिए पोस्टिंग, टेम्परेरी पोस्टिंग दी जाती है, शायद उससे रिलेटेड है या क्या है वो मामला अभी करते हैं। अभी कुछ जानकारी तो मैं निकालने के लिए अभी मैंने कोशिश करी और कुछ जानकारी अभी निकाली, और यदि इसमें कुछ आगे चीज़ें आती है तो ज़रूर उनके अगेंस्ट में एक्शन ली जाएगी सर। पुलिस कंप्लेंट करवाएंगे कि आखिरकार इसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि आपका नाम लेके पैसा मांग रहे कि नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं इसका। बिल्कुल, वो थोड़ा वीडियो देख के और कल मैं देखता हूँ इसके आगे क्या, मतलब किस एंगल से बात हुई, किससे हो रही थी बात, कौन कर रहा था, वो पूरी कल जानकारी निकाल के फिर आगे मैं चलूँगा उसमें।